जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। और दोस्तों, बहुत दिनों के बाद फिर से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा। एक्चुअली में क्या हुआ कि आज मेरा लास्ट डे है और मेरा ट्रेनिंग जो है कंप्लीट हो गया है, और कल मेरा जो था एग्ज़ाम भी हो गया और वाइवा भी हो गया। और आपके भाई ने एकदम पेपर को एकदम फाड़ दिया। पेपर फाड़ पेपर होता है ना, याद होगा आपने पंचायत मूवी वेब सीरीज देखा तो उसमें एक कैरेक्टर है विकास, इसने सचिव जी को बोलता है कि आप बहुत डेडिकेटेड बंदे हैं, आप एग्ज़ाम को एकदम पेपर फाड़ दें, तो बोलता है नहीं कंप्यूटर होगा तो कंप्यूटर, तो बस जस्ट वैसे ही समझिए एकदम फाड़ दिया मैंने एक्चुअली में। और 10 दिन से ब्लॉग इस वजह से नहीं बना पा रहा था कि जब 10-15 दिन हो गए थे और क्लास के यहाँ पे क्लास लेने के बाद तो सर ने एक छोटा सा टेस्ट लिया था जिसमें मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही गंदा था, तो इस वजह से थोड़ा मैं हमको भी अच्छा नहीं लगा। और सर ने तो थोड़ा सा बोला बहुत कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तो इसकी वजह से फिर पूरा कॉन्सेंट्रेट करके फिर मैंने पढ़ाई करी, पूरा अच्छे से किया और फाइनली आपका जो भाई ने और एग्ज़ाम को एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और भाई भी हो गए। तो आज मेरा लास्ट डे है और यहाँ से हमको रिलीव कर दिया जाएगा और यहाँ से डेरा बिल्डिंग भेज दिया जाएगा, जहाँ से हमको 1-2 दिन 3 दिन जो भी टाइम लगे वहाँ से स्टेशन अलॉट हो जाएगा। तो चलते हैं, नहा धो के भी रेडी हो गए हैं, चलते हैं थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे डी आर एम बिल्डिंग। अभी तो सर आए नहीं हैं, सर आएंगे तो अपना वो जो यहाँ से जो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है वो भी मिलेगी और उसके बाद यहाँ से लेटर मिलेगा। तो चलते हैं, पहले नाश्ता कर लेते हैं। दोस्तों अब डेली ब्लॉग आएगा क्योंकि ट्रेनिंग में क्या होता है कि यहाँ पे परमिशन नहीं था बाहर घूमने का, और जब भी बाहर जाते थे मतलब जैसे भी संडे को रेस्ट रहता था तो एक दिन के लिए घर जाते थे तो हमको सैटरडे को ही लेटर लिखना पड़ता था कि सर ये मतलब मेंशन करना होता था, बिना लेटर के आप जा नहीं सकते। तो कितनी दिन मैं लेटर लिखूँ, और सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक 5 बजे तक ट्रेनिंग चलता रहता था, तो इस वजह से बाहर निकल भी नहीं पाते थे, प्लस अपना पढ़ाई भी करना था, इस वजह से तो डेली ब्लॉग नहीं बन पा रहे थे। तो बनाए, अब डेली ब्लॉग आएगा और चलते हैं नाश्ता करना। और ये अपने देश की शान, क्या ही प्यारा लग रहा है ना तिरंगा। दोस्तों बाटी चोखा ट्राई करते हैं, दोस्तों अभी नाश्ता करने के बाद एक्चुअली में आए और एक चीज़ भूल ही गए थे, ये कॉपी का 2-3 से जीरोक्स कराना था और चिपकाना था उसमें, जो होता है फेयर जो बनाया थे हमने उसमें चिपकाना था, तो उसकी वजह से आज चेक भी कराना है सर से, तो चलते हैं इसको पहले जीरोक्स करा लेते हैं उसके बाद वो रेडी कर लेते हैं, क्योंकि उसको भी चेक कराना है सर से जो हमने फेयर बनाई है लिखा है। तो भैया जीरोक्स करना था, जीरोक्स कर दीजिए, एक ये पेज, एक ये पेज और एक ये पेज, 1, 2 और ये 3, ठीक है जीरोक्स कर दीजिए। तो दोस्तों यही स्टेशन के बाहर में एक जीरोक्स सेंटर मिला है, यहीं पे जीरोक्स करा रहे हैं, देख लीजिए क्या भैया थोड़ा ठीक से। तो दोस्तों क्लास हो गई है अब ख़त्म, अभी लंच का टाइम हो गया है, 12:30 बज गए, और आने के बाद ही बोले जाओ खाना खा के आओ, उसके बाद ही छोड़ेंगे। तो चलते हैं दोस्तों खाना खाने के लिए, और आरपीएफ बैरक में नहीं जाएंगे, जाएंगे कैंटीन में वहीं पे, क्योंकि आरपीएफ बैरक में जो थे सब बनाने वाले, और सोमवार का जो है कल नागपंचमी था वो सब चले गए थे घर, तो बंद है। क्या हो गया यार, बड़ा हंस रहे हो ने बोला इसको। अच्छा इधर ही, तो दोस्तों आ चुके हैं कैंटीन खाना खाने के लिए, और ये अपना आ चुका है यहाँ पे खाना, दाल चावल सब्जी दही है, और ये है दो साथी में, ये मेरे साथ है और ये भी है, ये थोड़ा लेट आया था
ध्रुव कुमार। ठीक है दोस्तों, खाना खाते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे। दोस्तों लंच करने के बाद आ चुके हैं रूम पर हॉस्टल में, अब थोड़ा सा आधे घंटे का एक नैप लेंगे क्योंकि खाने के बाद बहुत ज़बरदस्त हल्की हल्की नींद सी आती है, तो अभी टाइम है आधा एक घंटे का। और उसके बाद फिर हम लोग का डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो सर्टिफिकेट है और लेटर वगैरह यहाँ से जो DRM ऑफिस के लिए दिया जाएगा, बोले सर के 2:30 बजे तक दिया जाएगा, तो अभी टाइम है, थोड़ा नैप वगैरह ले लेते हैं उसके बाद फिर चलेंगे यहाँ से। आज लास्ट डे है यहाँ पे और देख लीजिए फिर दोबारा यहाँ पर मौका मिलेगा अगले 3 साल के बाद, अगर रिफ्रेशर में आएंगे हम लोग 3 साल के बाद फिर यहाँ मौका मिलेगा आने का। तो चलिए दोस्तों चलते हैं DRM ऑफिस, अपने को मिल गया है और लास्ट डे है। ठीक है ध्रुव आते हैं। ठीक है ये छोटे छोटे पप्पी है, खेलना चाहते हैं। बाय बाय। चलिए दोस्तों चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब पोस्टिंग आज होती है, कब होगी कुछ पता नहीं है। दोस्तों ये सामने दिख रहा है आपको रेलवे ऑडिटोरियम, जब फर्स्ट टाइम आए थे ज्वाइनिंग के लिए तो यहीं अपनी रिपोर्टिंग हुई थी और यहीं पे सारा प्रोसेस हुआ था डॉक्यूमेंट्स वगैरह का, लेकिन हमारी ज्वाइनिंग उस टाइम नहीं हुई थी, हम तो लेटर लिख के चले गए थे क्योंकि मेरी रिजिग्नेशन कम्प्लीट नहीं हुआ था। तो दोस्तों आ चुके हैं, ये सामने देख रहे हैं ये सुविधा केंद्र है, ये रिक्रूटमेंट सेल धनबाद है और अंदर चल रही है NTPC वालों की Level 2 की क्लर्क जूनियर क्लर्क की, और बहुत ज़्यादा भीड़ है तो अपना काम अभी शायद में भी आज तो कुछ होना होगा नहीं, बाहर वेट करने के लिए बुला है अपने को। तो दोस्तों यही कैंटीन में बैठे हुए हैं कब से, और यहाँ सुविधा केंद्र में जो है रिक्रूटमेंट सेल आने के बाद वहाँ पे ज्वाइनिंग चल रही है, जो जूनियर क्लर्क NTPC वाले हैं Level 2 के, उनकी ज्वाइनिंग चल रही है, तो यहाँ पे सबसे बैठे हुए हैं। खाली है पूरा देख सकते हैं, और टाइम हो चुका है 5 बजने वाला है, देखते हैं क्या होता है अपना, मे भी आज हो जाए मे भी नहीं होगा, तो यहीं बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं, बोला है 6 बजे तक वेट करो, तो देखते हैं क्या होता है, नहीं होगा तो फिर घर चले जाएंगे, फिर 2-3 दिन या 1 वीक या तो हो सकता है, अगर आज नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट वीक में होगा तो फिर मंडे को आएंगे, फिर जैसा होगा देखते क्या होता है। तो दोस्तों DRM बिल्डिंग से आ चुके हैं, जा रहे हैं हॉस्टल में, और अब इस वीक तो अपना स्टेशन अलॉट नहीं होगा, तो इस वजह से अब नेक्स्ट वीक मंडे को होगा, तब घर जा रहे हैं और 10 बजे ट्रेन है, तो अभी जस्ट आ ही रहे हैं DRM बिल्डिंग से, और अब आएंगे थोड़ा खाना वाना खाएंगे और 10 बजे ट्रेन है, निकल जाएंगे घर। अब अगले वीक आएंगे, नेक्स्ट मंडे को आएंगे, तो मे बी पोस्टिंग होगी या नहीं होगी कोई कंफर्म नहीं, लेकिन अब नेक्स्ट वीक ही होगी, तो चलते हैं। और ठीक है दोस्तों टाइम हो चुका है, चलते हैं और बाय बाय भैया, मिलते हैं फिर अगले हफ्ते, मिलते हैं आपसे, चलेगा छोड़ने, चलो आ जाओ। और दोस्तों बारिश भी शुरू हो गई है, लेकिन अपने को तो पास ही में जाना है, ज़्यादा दूर जाना नहीं है, तो चलते हैं। ये बगल में स्टेशन मास्टर वाले भैया हैं, इनको भी बोल देते हैं। ठीक है भैया जी, आप लोगों से मिलते हैं फिर, मुलाकात होती है अगले हफ्ते। ठीक है, अरे सब बढ़िया है, आप लोग के अंदर रहेंगे तो अच्छा ही रहेंगे। अरे स्टेशन मास्टर आप ही के अंदर में हम लोग काम करेंगे, तो कहीं भी रहेंगे मुलाकात होगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों चलते हैं। ये स्टेशन मास्टर, ये लोग का भी ट्रेनिंग चल रहा है, ये लोग का 4 महीने का होगा, हम लोग का 1 महीने का था, और इन्हीं के अंडर में मैं भी, हो सकता है किस्मत अच्छा रहा हो तो इन्हीं के अंडर में मिल जाए, तो दोस्ती बरकरार रहेगा, तो फिर काम करने में और मजा आएगा क्योंकि पहले से जान रहा है। दोस्तों ये भी है साथ ही में चलेगा, गया तक जाएगा और मुझे जाना है मुगल सराय, सीट ही नहीं खाली है इसमें, यार पूरी खाली है यार। 02 08 29। और ये ट्रेन अपनी दोस्तों लग चुकी है और इसी में जाना है अपने को,
क्या हुआ संतोष? गया था चलो ठीक है। अरे ठीक है दोस्तों, पानी वगैरह ले लिया अच्छे से। तू जाएगा अभी की? अच्छा वेट कर रहा है, बैठ जा। क्या हुआ खुल गया? चलो फिर ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन, मंडे को मिलते हैं नेक्स्ट। ठीक है बाय बाय। ठीक है फिर जा। ठीक है दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी क्योंकि अब दिन भर भाग दौड़ करने पर बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, तो आपसे अब मुलाकात होगी। अब सुबह में अब चलेंगे, थोड़ा आप रेस्ट करेंगे और सोएंगे आराम से। ठीक है दोस्तों गुड नाइट, चलते हैं अपने सीट पर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो गई है, सभी को गुड मॉर्निंग। और फाइनली हम पहुंच गए हैं मुगलसराय अपने शहर, आ ही गया है स्टेशन। और बारिश, तगड़ी बारिश हो रही है, हल्की हल्की अभी बारिश हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। और फ़ोन किया था पापा को, तो अभी भी बारिश हो रही है, तो थोड़ा वेट करते हैं, बारिश बंद होगी फिर तो आएंगे पापा। प्लेटफॉर्म उस साइड में यार, स्वागत है आपका दोस्तों फिर से हमारे शहर मुगलसराय में। बारिश में क्या ही प्यारा लग रहा है। लो जी लो दोस्तों, पहुंच गए अपने शहर। दोस्तों वो जो जितनी भी भीड़ जा रही है उस साइड में उतरेंगे तो मेन मार्केट में चले जाएंगे। और पहले तो इस साइड में नहीं बना था, लेकिन अब इस साइड में भी उतरने का बन गया है, जो कि आपको विपरीत साइड में जिधर रेलवे की जितने भी कॉलोनीज हैं उधर बना हुआ है, तो उधर उतरने के लिए बनाया गया। और इधर भी टिकट काउंटर बना दिया गया है, टिकट कटता है, रिजर्वेशन होता है। और एक्चुअली में क्या है ना कि भीड़ को कम करने के लिए एक तरफ जाल लोड ज़्यादा पड़ रहा था, तो थोड़ा सा इस साइड भी ओपन कर दिया गया कि जो इस साइड के लोग हैं इधर से जो जानते हैं तो इधर से आ जाएं तो लोड कम हो। और अभी पापा अभी आए नहीं हैं, वेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। बारिश तो हो रही है हल्की हल्की सी, फोन कर दिया मैंने, बोल रहे हैं अभी खूब, इधर तो बारिश बंद हो गई है। ये इधर का नया रिजर्वेशन और काउंटर, और इधर हल्की हल्की बारिश हो रही है, बाकी घर पे बारिश तो बंद अभी हुई नहीं है, तो वेट करते हैं।